आप सभी दर्शकों को टाइम न्यूज परिवार की ओर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस को मिली सफलता, दो शातर चेन स्नैचर पुलिस ने किए गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई 3 सोने की चेन कीमत लगभग 1,25,000 रुपए की जब्ती। दरअसल इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए अन्नपूर्णा पुलिस ने एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में लगाई गई और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें अन्नपूर्णा थाने के दो आरक्षकों ने सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को पहचान लिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों आरोपियों की पहचान जुल्फिकार अली और असलम खान के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर जुल्फिकार, जो कि गुजरात की जेल में बंद था, उसे प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लेकर पहुंची। दूसरे आरोपी असलम उर्फ गुड्डू को मुखबिर सूचना पर खजराना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पूर्व में भी करीब 50 चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा दोनों आरोपी जुल्फिकार और असलम से पुलिस ने 3 सोने की चेन बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। 21 सितंबर को थाना क्षेत्र मलारगंज में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके दो दिन पश्चात 23 सितंबर को थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, हर घटना में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज आजकल किसी भी घटना की पतारसी में, चाहे वो आज हो या कल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 23 सितंबर को थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे सामने आए और आने वाले कई सारे सीसीटीवी फुटेज से जब थोड़े से क्लियर हुए, तो उसमें एक सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा गया कि आगे वाला व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो आगे से गंजा है और अधेड़ उम्र का है। जब वो सीसीटीवी फुटेज हमने अपने पुलिस ग्रुप में डाले, तो ये और एक कड़ी जुड़ी कि मार्च माह में थाना एरोड्रम क्षेत्र में भी जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उसमें भी एक गंजा व्यक्ति शामिल था और उसकी भी उम्र ज़्यादा दिख रही थी। उम्र सामान्य से बहुत ज़्यादा दिखने वाले आरोपी और दोनों ही जगह गंजे होने से जब पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड छाना गया तो ये सूचना मिली कि इस अपराध में जुल्फकार उर्फ वयू हो सकता है। वो पूर्व में चेन स्नैचिंग में, इवन डकैती के केस में भी 9 साल जेल में रह चुका है। जब जुल्फकार का कंफर्म हुआ, उसके फोटो से मिलान हुआ और उसकी तलाश की गई, तो पता लगा कि वो दाहोद पुलिस उसको एक डकैती के केस में पकड़कर ले गई है और दाहोद जेल में बंद है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड।